आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। यहाँ पे चुनाव है और इस हलके से आम आदमी पार्टी से डॉक्टर निशांक खड़े हो रहे हैं, उनको आशीर्वाद दें आप लोग। इसकी अपील करने के लिए आज मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने 2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी को जबरदस्त बहुमत दिया था। पंजाब के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला, ऐतिहासिक था। और इतना बड़ा बहुमत दिया तो जाहिर तौर पे आपकी उम्मीदें, हमारी सरकार से आपकी आशाएं भी बहुत ज्यादा थी। और आज 2.5 साल के बाद जब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, मैं भगवंत मान साहब के साथ उन दिनों में चुनाव प्रचार किया करता था, जगह जगह जाया करते थे। उन दिनों में सबसे ज्यादा परेशान लोग अपने बिजली के बिलों से होते थे। किसी का 2 लाख रुपए पुराना बकाया पड़ा है, किसी का 1 लाख बकाया पड़ा है, छोटा सा घर है, किसी का 5,000 रुपए महीना बिल आ रहा है, किसी का 7,000 रुपए महीना, कोई हिसाब ही नहीं था। हमने आपको वादा किया था कि आपके पुराने बिल माफ कर देंगे और आगे से आपके बिल 0 आया करेंगे। वादा पूरा किया कि नहीं किया? आप लोगों के बिल, किस किस के बिल 0 आ रहे हैं जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। सबके बिल 0 आ रहे हैं। ये चमत्कार है पूरे देश में। लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जब बीजेपी वालों की सरकार है, कई राज्य हैं जब कांग्रेस की सरकार है, कई राज्य हैं दूसरी पार्टियों की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार बस 2 जगह है, पंजाब और दिल्ली। दोनों जगह लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं और बिजली 24 घंटे आती है। बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। तो हमने जो कहा था, हमने अपना वादा पूरा किया, आपका बिजली का बिल 0 कर दिया। जो हजारों हजारों रुपए के आप अपने बिजली के बिलों से परेशान थे वो खत्म हुआ। हमने कहा था आपका इलाज मुफ्त कर देंगे। पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, वहां पे आप जाओ आम आदमी क्लिनिक, आपका पूरा इलाज मुफ्त होता है, दवाइयां, टेस्ट, डॉक्टर का इलाज सब मुफ्त होता है। जितने सरकारी अस्पताल हैं उनको ठीक किया जा रहा है, अभी कई अस्पताल ठीक हो गए, कई अस्पतालों को भी ठीक कर रहे हैं, वहां भी पूरा इलाज मुफ्त कर रहे हैं। जो पहले पैसे लगा करते थे अब पैसे नहीं लगा करेंगे। पूरे पंजाब में स्कूल ठीक किए जा रहे हैं। पूरे पंजाब में अभी तक 41,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। लगभग पंजाब के हर गांव में, हर पिंड में 1, 2, 3, 4, कहीं 4, कहीं 5 बच्चों को नौकरी मिली है। किसी से भी पैसे नहीं लिए गए, किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी। पहले बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के नौकरी मिलती नहीं थी। अब किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ती, किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के नौकरी मिलती है। पहले पंजाब में कच्चे कर्मचारी, खासकर टीचर, टंकियों पे चढ़े रहते थे, क्लास में नहीं होते थे। अब इतने कर्मचारियों को पक्का कर दिया, कईयों को भी पक्का करना बाकी है, उनका काम जारी है। अब सरकारी कर्मचारी टंकियों पे नहीं मिलते, आपको अपने काम पे मिलते हैं, काम करते हुए मिलते हैं। कितने टोल प्लाजे बंद कर दिए। अगर हमारी नीयत खराब होती, इन टोल प्लाजों को बंद करने की क्या जरूरत थी? उनसे चुनाव के लिए पार्टी फंड में पैसे ले लेते, अपने घर के लिए पैसे ले लेते। लेकिन हमारी ईमानदार सरकार है, हम बेईमानी नहीं करते। तो बहुत सारे काम किए आप लोगों ने, आप लोगों के लिए। डॉक्टर राजकुमार छपेवाल, पहले आप गलत पार्टी में थे, अब सही जगह आ गए, आदमी अच्छे हैं, पार्टी गलत थी। वहां पे घुटन महसूस कर रहे थे, और आम आदमी पार्टी की सरकार है,
कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रह के काम तो करवा नहीं सकते थे क्योंकि सरकार तो हमारी है। अब सही जगह आ गए, अब आपके इस लोकसभा हलके के भी और विधानसभा हलके के भी यहां से भी जिता दो, विधानसभा हलके के भी दोनों के काम होंगे क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोग आए थे छब्बेवाल से मिलने के लिए मेरे से, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने उनसे पूछा डॉक्टर राजकुमार छब्बेवाल को जानते हैं? बोले हाँ जी जानते हैं। मैं कहा कैसे आदमी है? बोले जी छब्बेवाल में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिनके किसी ना किसी आदमी का उन्होंने इलाज ना कराओ, और गरीबों का इलाज फ्री करते हैं, समाज सेवा करते आए हैं कई सालों से, अच्छे आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, अब सही पार्टी में आ गए। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीते, लेकिन छब्बेवाल के लोगों ने उनको 27,000 वोट से जिता के भेजा है, केवल छब्बेवाल से। तो आज मैं आम आदमी पार्टी का मुखिया आपको गारंटी देके जा रहा हूं, आप डॉक्टर ईशांक को ऐतिहासिक बहुमत से जिताओ, आपके जितने काम है छब्बेवाल के उसको कराने की, सारे काम कराने की गारंटी मेरी है। मैं डॉक्टर ईशांक से भी बात कर रहा था, डॉक्टर राजकुमार साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कुछ काम गिनाए हैं कि एक आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाना है, बिल्कुल बनाएंगे, एक बिस्त दोआब नहर यहां से निकलती है लेकिन यहां के किसानों को फायदा नहीं होता, वो यहां से निकल जाती है, यहां के किसानों उस पे मोगे रख के और वहां पे वहां का पानी, उस नहर का पानी आपके यहां के किसानों को भी उसका इंतजाम किया जाएगा। खेती आधारित, महिला आधारित स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री यहां आए और हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सके और यहां की आर्थिक उन्नति हो सके। बच्चा नशा पता छोड़े, खेल कूद में लगे, इसके लिए जितने स्टेडियम बनाने की जरूरत है, जितने खेल कूद के मैदान बनाने की जरूरत है वो सारे बनाए जाएंगे। आदमपुर से गढ़शंकर रोड जो है उसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर उनके नाम से रखा जाएगा। और सभी सड़कें, खासकर जो गुरुधामों को जाने वाली सड़कें हैं, उनको 18 फुट चौड़ी किया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। ये तो थोड़ी सी चीजें थी, एक बार आप वोट देके देखो, क्योंकि राज्य सरकार भी हमारी है, एमएलए भी हमारा होगा, मिलके काम करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा,